राजधानी रायपुर में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के गंजाम से 50 मजदूर बस में सवार होकर गुजरात के सूरत आ रहे थे और सेवी खेड़ी गाँव में कृषि महाविद्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज जारी है और दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ओडिशा के सीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है। खेड़ी के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये वही बस है जिसमें एक्सीडेंट हुआ है। ये बस जो है वो गुजरात जा रही थी। देर रात 3:30 बजे की घटना है, जो ये बस एक ट्रक से टक्कर हो गई और इतनी जोरदार टक्कर हुई कि बस के जो एक साइड के पूरे परखच्चे जो है वो उड़ गए हैं। पूरी तरह से ये बस जो है काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। इसमें सवार 7 मजदूर जो है उनकी मौत भी हो गई है। इसके साथ ही बस में जो है काफी यात्री जो है वो सवार थे, जिनका काफी लोग जो है वो घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। तो इस तरीके से तमाम जो ये दुर्घटना स्थल है वहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर 112 की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। देर रात से 112 की टीम मौजूद है और जो घायल है उनको उपचार दिया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो आप देख सकते हैं, कितनी बुरी तरह से यहाँ पर बस जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। पूरे परखड्डे हो गए हैं। बस के जो यात्रियों के बैग है वो भी यहाँ पर जस के तस पड़े हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी बुरी जो दुर्घटना है वो सामने आ रही है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। सुहागपुर थाना क्षेत्र के